हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पांच ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन और आंसर जो कि इंटरव्यू में इलेक्ट्रिशियन से पूछा जाता है, उन इलेक्ट्रिशियन से पूछा जाता है जो कि बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, ठीक है, और जो इंटरव्यू देने जाते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये जो पाँच जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप दे देंगे ना तो 100% आप पास हो जाएंगे। मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है। और ये पाँच जो क्वेश्चन और आंसर है हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और नए इलेक्ट्रिशियन हैं, आपको काम नहीं मालूम है और ये सवाल का जवाब आपको मालूम हो जाता है तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों, आपसे अगर पहला सवाल पूछा जाए MCB का सिलेक्शन कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट MCB, आप MCB जहाँ पे लगाना है उसको कैसे सिलेक्शन करें कि कितना पोल का लगाना है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ MCB सिंगल पोल का आता है, डबल पोल का आता है, थ्री पोल का भी आता है और फोर्थ पोल का भी आता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको ये पता करना है MCB क्या है, MCB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, M से मिनिएचर, C से सर्किट, B से ब्रेकर, जो कि बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ये तो क्लियर हो गया। तो आइए हम इसका आंसर जान लेते हैं, ठीक है। MCB का सिलेक्शन कैसे करें इसका हम आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, हम ये आंसर बताएंगे, सबसे पहले यह चेक करेंगे कि हमें कितना पोल की MCB लगानी है, ठीक है ना। पहले हम वहाँ पे चेक करेंगे कितना पोल की MCB लगानी है। तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, जान लेते हैं आगे, ठीक है। आपको फोर स्टेप में बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर MCB लगानी है, वहाँ पर कितने पोल की रिक्वायर है, ठीक है ना। आप ड्राइंग में देखेंगे कितने पोल की वहाँ पे रिक्वायर है, पहले देखेंगे कितने पोल की, सिंगल पोल की, डबल पोल की, के फोर्थ पोल की, कितने पोल की रिक्वायर है, ठीक है ना, ये देखना है। इसके बाद से और सभी पावर रेटिंग का पता करेंगे, अगर वहाँ पर करंट मिल जाए तो करंट से पता कर सकते हैं। कैसे, अगर सिंगल पोल लगाना है तो सिंगल होगा 220 होगा, अगर थ्री फेस आता होगा थ्री पोल लगाना है, अगर फोर पोल का लगाना है तो थ्री फेस एक न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूँ, अगर आपको ये बताना ज़रूरी है और आप नोट भी कर लीजिएगा, अगर आप कहीं भी MCB लगाएं तो 25% ज़्यादा एम्पियर का MCB लगाएं। जैसे कि रिक्वायर 12 एम्पियर आ रहा है तो आप वहाँ पर 16 एम्पियर जरूर MCB लगाएं, ठीक है ना। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कितने एम्पियर का लगाना है, कहाँ पे कैसे लगाना है, ठीक है ना, कैसे सिलेक्शन करना है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका सवाल का जवाब। अब सेकेंड जान लेते हैं। सेकेंड में आपसे पूछा जाएगा AC या DC कौन किसी मोटर की RPM ज़्यादा होती है, ठीक है। AC या DC कौन सी मोटर की RPM ज़्यादा होती है। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं AC और DC दो मोटर दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं AC का फुल फॉर्म क्या होता है और DC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट, ओके दोस्त, और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। आपने ये तो समझ गया AC और DC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब RPM का फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। RPM का फुल फॉर्म होता है रेगुलेशन पर मिनट, ठीक है। दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं तो RPM पे एक वीडियो में बना दूंगा, RPM क्या है और कैसे निकाला जाता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं DC और के RPM AC मोटर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। DC मोटर के RPM AC मोटर से ज़्यादा होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं और बिल्कुल शॉर्ट कट में बता रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। ये आप अगर ये सवाल का जवाब देते हैं तो आपको ज़रूर सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया AC या DC कौन सी मोटर में RPM ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है DC मोटर में RPM ज़्यादा होता है, ओके। तीसरे क्वेश्चन के हम जान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल और अर्थिंग, ठीक है। न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है, ठीक है, आपसे पूछा जाए न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है, तो आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। दोस्तों, आंसर होगा न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है, ठीक है। न्यूट्रल का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने कोई बल्ब में फेस दे दिया और न्यूट्रल नहीं दिए तो नहीं चलेगा, ठीक है, सर्किट पूरा नहीं होगा। इसके लिए हम न्यूट्रल जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लेकर आते हैं, ठीक है। अब अर्थिंग के बारे में जान लेते हैं। अर्थिंग जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कैसे अर्थिंग हुआ है, दोस्तों इस पर हम एक वीडियो भी बनाए हैं अर्थिंग के बारे में, आपको आइकन बटन में दे देंगे और आप जाके जरूर देखें वो वीडियो को, ठीक है। अर्थिंग को हम बनाने के लिए एक जमीन के गड्ढा करते हैं और एक पॉइंट
बनाते हैं जिसके अंदर से एक वायर जमीन से कनेक्ट करके और हम अपने घर के जो भी इक्विपमेंट है उसके बॉडी में लगा देते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी घर में है यूज वाला जो टच करते हैं बार बार उसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, अर्थिंग में अर्थिंग इसलिए हम करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगे तो आप उससे बच जाएंगे। ठीक है ना, कहीं भी इलेक्ट्रिकल का थोड़ा भी शॉक लगेगा तो आप अर्थिंग किए हैं तो बच जाएंगे। ठीक है, अभी हम चौथा सवाल जान लेते हैं। ठीक है ना, हमारा चौथा सवाल होगा डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल। वायर और केबल में क्या अंतर है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वायर और केबल में क्या अंतर है आप बताएं, तो आप आंसर क्या देंगे? ठीक है, आपको डायग्राम के साथ मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ डायग्राम पे देखिए, मैं बताते वाला हूँ। आइए इसका हम आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी कंडक्टर में इंसुलेशन नहीं चढ़ा हो उसे हम वायर कहते हैं। ठीक है, कोई कंडक्टर में अगर इंसुलेशन नहीं चढ़ा है तो उसे हम वायर यानी तार कहते हैं, जो कि यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं इस पर इंसुलेशन नहीं है। ठीक है ना, इस पर इंसुलेशन नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं? तार कहते हैं। ठीक है, वायर कहते हैं, इस पर इंसुलेशन नहीं चढ़ा है। जबकि किसी भी वायर में अगर इंसुलेशन कर दिया जाए, ठीक है ना, किसी भी वायर में इंसुलेशन कर दिया है उसे केबल करते हैं, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है ना उसे हम केबल कहते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया दोस्तों। ऐसे आपको एकदम छोटे छोटे जवाब देंगे ना और बिल्कुल आपको पास होना तय है इंटरव्यू में। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके साथ ही मेरा चैनल रहेगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कभी भी आपको साथ रहेगा ये क्वेश्चन और आंसर अगर सब्सक्राइब करते हैं तो। ये पांचवा सवाल हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पैरेलल और सिरिंज में क्या अंतर है? ठीक है, पैरेलल और सिरिंज कनेक्शन में क्या अंतर है? दोस्तों, आपसे पूछ दिया जाए इंटरव्यू में तो क्या जवाब देंगे? यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे एक पैरेलल में है और एक सिरिंज में है। ठीक है ना दोस्तों, आप अगर कमेंट करते हैं तो पैरेलल और सिरिंज का सेपरेट में वीडियो बिल्कुल क्लियर बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें जवाब क्या देना है? अगर किसी उपकरण पर्सनल सप्लाई वायर से कनेक्शन करते हैं तो वह पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है ना, ये जो इमेज देख रहे हैं ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, आप यहाँ तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, और दूसरा जो है सिरिंज, अगर हम एक सप्लाई से कई उपकरण को जोड़कर चलाते हैं तो उसे सिरिंज कनेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, अगर एग्जांपल के लिए बता दो, एक सप्लाई में आपको 10 बल्ब जलाना है तो उसको हम सिरिंज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो लाते रहता हूं। अगर आप बेल आइकन बटन दबाकर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। ठीक है।